बंक। आ गए मुंह काला करवा के, सुबह होते ही मुंह लटका के बैठ गए आके। देखो रोहित देखो, ये बनेंगे भैया T20 वर्ल्ड कप के 22 कैप्टन, और ये जिताएंगे इंडिया को T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, ये एक मैच नहीं जिता पा रहे हैं मुंबई को, वर्ल्ड कप क्या ये खाक जिताएंगे। अबे और कितना, अभी पिछला मैच हारे थे उसका गम सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक और भैया गम दे दिया। अब तो अंबानी चाचा को जिंदा रहना ना ही मुश्किल कर दिया है ये सुसुरी वाले ने। पता नहीं क्या सोच समझ के इसको T20 वर्ल्ड कप में जगह मिल गई। जगह मिल गई तो मिल गई, ऊपर से देखो भैया वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। अबे अम्बानी चचा, अब हमारा पहला साल था मुंबई में कप्तानी करने, हम पहले साल आए थे तो हम कुछ समझ नहीं पाए कैसे क्या होता है। अगली बार देख लेना, अगली बार मुंबई को चैंपियन बना के छोड़ेंगे। अगर ना बनाया चैंपियन तो मुंबई से हमको धक्के मार के बाहर फिकवा देना। और रही बात T20 वर्ल्ड कप की, तो उसमें तो हमको लेना ही था क्योंकि हम इंडिया के ही नहीं, हम पूरे वर्ल्ड के भैया एक नंबर वन ऑलराउंडर है, ऐसे कैसे नहीं लेते हमको भैया टीम में। अबे वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया तुमने बोला है। ऐसे तो तुम ये भी बोल दोगे कि हम T20 वर्ल्ड कप पहली बार खेलने आए थे और पहली बार वो कप्तानी करी। अगर बेटा वर्ल्ड कप में ऐसी कोई भी छपरी पना हरकत करी तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सुसुरी के तुमने पूरा करियर बर्बाद कर लिया, खुद का तो कर लिया, और ऊपर से भैया जो ये नए नए लौंडे भर्ती करे थे ईशान किशन, बताओ किशनुआ कोई पूरी जिंदगी रांगा कर दी। इतना अच्छा खिलाड़ी था, उसको अपने साथ में रख रख के उसको भी पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। अब तो वो भी सीने पे जीरो लिखा के चला आता है, उससे भी एक भी रन नहीं बन पा रहे हैं। अबे बस रोहित बस, अब बहुत हुआ, ये सीजन तो बहुत भैया झेला, लेकिन अगली बार भैया इसको कप्तानी तो कतई नहीं देंगे। तुम कहोगे तो हम किसी को भी सुसुरी के कप्तान बना देंगे, लेकिन इसको कप्तानी तो कतई नहीं देंगे। अब हमारा दिल भर चुका है, इससे ज्यादा भैया तुम्हारे अम्बानी चचा और दर्द झेल नहीं सकते, क्योंकि हमारी भी उम्र होती जा रही है और इतना पैसा हम क्या सर पे लेके जाएंगे, इनके ऐसों को फिकवा देंगे भैया। जाने दो 100 करोड़, 100 करोड़ डूब गए कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा कि ये सुसुरी वाला कप्तानी करे।